हेलो फ्रेंड, आज गैरेज में डियो ओल्ड मॉडल बाइक स्कूटर आया था मेरे पास। तो ये स्कूटर जो गाड़ी है ये दिन भर अच्छे से चलने का, पर सवेरे कस्टमर ने गाड़ी निकलता है घर से तो वहाँ पे चौक देने का, उसके बाद में चालू होता है। इसका कारण क्या था? इसका हेड लीकेज था, हेड का वाल पूरा लीकेज था, उसके साथ साथ उसका गाइड पूरा लूज हो गया था उसका गाइड। तो मैंने इसका खराद वाले के पास से इसका ये ऑयल पी रहा था गाड़ी, ज़्यादा भी ऑयल खा रहा था गाड़ी, 15-15 एक एक महीने में ऑयल ख़त्म हो जाने का। तो मैंने इसमें पी ब्लॉक को बोरिंग किया और वाल का गाइड नया लगाया और वाल भी नया लगाया, अच्छा तरह से सीट कटिंग भी किया। अभी इसका फिटिंग करेंगे। और वीडियो अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। स्कूटर हो या बाइक हो, सवेरे सवेरे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देने का तो पहला कार्बोरेटर का सेटिंग देखने का। कार्बोरेटर का सेटिंग अगर यार सेटिंग सही नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम देता है। अगर यार सेटिंग सही रहेगा तो गाड़ी आपका माइलेज नहीं दे रहा है कि गाड़ी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका हेड खोले जरूर। वाल अगर लीकेज रहेगा, इनलेट वाल और एडजस्ट वाल, तो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देगा, स्टार्टिंग हो जाएगा, चौक देने के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। चौक देने के बावजूद क्या होता है, आपका गाड़ी माइलेज नहीं देता है। चौक किसके लिए दिया जाता है? पेट्रोल ज़्यादा खींचता है, एयर को बंद कर देता है पूरा, उसी के थ्रू गाड़ी चालू हो जाता है पर गाड़ी माइलेज बिल्कुल नहीं देगा। अगर आपका वाल लीकेज रहेगा कहीं से तो आपका गाड़ी बिल्कुल माइलेज नहीं देगा। तो आप पेट्रोल खर्चा करेंगे पर हेड में नहीं खर्चा करेंगे। तो पहला देखने का, अगर गाड़ी आपका माइलेज नहीं देता है, पहला कार्बोरेटर साफ करने का, और कार्बोरेटर साफ करके एयर स्क्रू अच्छा से सेटिंग करने का, एयर का जो स्क्रू होता है, और उससे नहीं हुआ तो उसका हेड का जो वाल होता है उसको सीट कटिंग कर दीजिए और नया वाल डाल दीजिए। अगर गाइड ख़राब रहेगा गाइड नया डाल दीजिए तो सक्सेस हो जाएगा पूरा। ये आज का एक छोटा सा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अभी इसका ऑयल प्रेशर चेक करेंगे। इंजन बांधने का वक्त ऑयल प्रेशर चेक करना ज़रूरी है मैकेनिक भाई लोग। ये देखिए ऑयल आ रहा है। बस ये आज का एक जानकारी था।